इस वक्त 23 मार्च का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हो चुका है। 23 मार्च को पाकिस्तान डे परेड है, जिसमें पाकिस्तान के JTNC त्यारों ने अपनी पावर दिखानी है। और 23 मार्च इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां OIC के वज़रा ख़ारजा भी शरीक होंगे। और ये खबरें भी हैं कि इस दिन सऊदी वली अहद भी पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। हाल ही में सऊदी वली अहद की स्टेटमेंट बहुत वायरल हुई है इमरान खान से मुतल्लिक भी, जिसमें सीनियर सहाफ़ी और सियासी तजिया कार ने इंकशाफ किया है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तहरीक अदम एतमाद से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान की बरतरफी के खिलाफ पाकिस्तान के ताकतवर तबकों को पैगाम भेजा। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम ने दावा किया। MBS ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बरतरफी पाकिस्तान के साथ साथ मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए भी साजगार नहीं होगी और इससे उम्मत के मगरिब के खिलाफ खड़े होने के मकसद पर असर पड़ सकता है। अब इस स्टेटमेंट के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया है कि वो 23 मार्च को लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आएंगे। अब आप कहेंगे कि 23 मार्च से कबल है OIC का इजलास, तो इस मार्च से इसको क्या फर्क पड़ेगा? तो देखें, जब OIC के ममालिक को पता होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में हालात खराब हैं और 23 मार्च को इस्लामाबाद को घेरा जाएगा, तो वो क्यों इस इजलास में शिरकत करेंगे और 23 मार्च की परेड देखेंगे? तो इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है इमरान खान को मुस्लिम दुनिया के करीब होने से रोका जाए और OIC का इजलास ना होने दिया जाए और मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जाए, क्योंकि 40 सालों से ये जमातें तो OIC का इजलास बुलाने में नाकाम रहीं और इमरान खान ने 6 माह के अंदर अंदर दूसरा OIC का इजलास इस्लामाबाद में बुला लिया है, जिससे वाजह है कि पाकिस्तान की कदर मुस्लिम दुनिया में इस वक्त बहुत ऊपर जा चुकी है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं तो इस्लामाबाद में धरनों की क्या जरूरत है। वज़ीर ख़ारजा ने निजी TV चैनल से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च के ऐलान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि OIC इजलास में मुदाखलत नहीं होने देंगे, दावत नामे भेजे जा चुके हैं। उन्होंने अपोजिशन से सवाल किया कि अगर तहरीक अदम एतमाद के लिए आपके नंबर्स पूरे हैं तो फिर इस्लामाबाद में धरनों की क्या जरूरत है। शाह महमूद कुरैशी ने वाजिया किया, अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला आईनी और कानूनी तरीके से करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी की जानिब से भी मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च के ऐलान पर समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर रद्द अमल दिया गया। वज़ीर इत्तला'आत का कहना है कि पहले ही कहा था कि फजलुर रहमान का असल एजेंडा इस्लामी वज़रा ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। सालों बाद इस्लामी वज़रा ख़ारजा कॉन्फ्रेंस का इजलास उनको हजम नहीं हो रहा, इसलिए 23 मार्च को इस्लामाबाद ब्लॉक करना चाहते हैं जब पूरा मुल्क योम तशक्कुर मना रहा होगा। हम फसादियों से निपटना जानते हैं। वाज़ह है, PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने पीर की शब को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया है।